तो मैं एक्चुअली जब मैंने डिसाइड किया था फिजियोथेरेपी का, तब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, इसके पीछे मैंने भी अपने काफ़ी साल खराब किए थे। फिर कुछ फ्रेंड्स और सर्च करने के बाद मुझे अवेयरनेस आई कि ये कोर्स भी रिलेटेड होता है, तो मुझे अच्छा लगा ये कोर्स, क्योंकि ये रिलेटेड होता है पूरी बॉडी के बायोमैकेनिक्स पे। तो बायोमैकेनिक्स जो होती है, ये बॉडी की फिजिक्स हम पढ़ते हैं, जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती। लाइक आप दर्द की मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आपसे कम हो जाएगा, बट जो आपकी रेंज ऑफ मोशन होती है, जस्ट लाइक आप अगर पूरा हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हो, बट अगर अभी आपका हाथ रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, तो आप मेडिसिन से पेन गवा सकते हो, पेन को हटा सकते हो, बट ये जो रेंज ऑफ मोशन है उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी ही लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा स्कोप वाला ये कोर्स है, और इसमें अवेयरनेस कम होने की वजह से बच्चे कम एडमिशन लेते हैं हालांकि, बट ये अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो आउट ऑफ द रीजन हम देखें, अगर हमारे इंडिया से बाहर हम देखें, तो इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और ये नॉर्मली भी ऐसे नहीं है कि आप अगर अनफिट है तो ही आप आ रहे हैं, लाइक फिट वाले जो भी होते हैं अपने बॉडी की सारी चेकअप